नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। आइए अब तक की तमाम अहम खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं नेशन सुपरफास्ट में। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन पर बड़ा आरोप, कहा काफी पहले कर ली थी उसने दंगे की तैयारी। जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले पर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू, कहा तमिल होने के चलते नियुक्ति के वक्त भी हुआ था विरोध। दिल्ली हिंसा में अब तक 38 लोगों की मौत, हिंसा के बाद काबू में हालात, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में अब भी है तनाव। नहीं थम रहा दिल्ली हिंसा में मौतों का सिलसिला, गोकुलपुरी के नाले में आज सुबह 2 शव मिलने से हकम। हिंसा के बाद आज मौजपुर में सामान्य हुए हालात, लोग अपने घरों से निकलकर खरीद रहे हैं रोजमर्रा की चीजें। दिल्ली में लोगों की सुरक्षा में तनाव, सुरक्षा बल मौजपुर और जाफराबाद में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें आई सामने, सड़क पर दिखा लोगों का जमावड़ा। दिल्ली हिंसा में मारे गए आईबी के कांस्टेबल अंकित शर्मा का हुआ अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान रहे मौजूद। दिल्ली हिंसा में शामिल शाहरुख की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी, जाफराबाद में हिंसा के दौरान की थी शाहरुख ने फायरिंग। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की इमारत की गई सील, फॉरेंसिक टीम ने बिल्डिंग के अंदर से लिए नमूने। दिल्ली हिंसा को लेकर न्यूज नेशन पर ताहिर हुसैन की सफाई, कहा मैंने दंगों को रोकने की कोशिश की, हर जांच के लिए हूं तैयार। चांदबाग में दंगाइयों ने पूरे घर को किया आग के हवाले, 2 महीने पहले शादी में मिले सामान को दंगाइयों ने जलाकर किया खाक। बाइक और कार में भी लगाई आग, घर में भी की थी तोड़फोड़। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी पार्टी का प्रदर्शन, दिल्ली हिंसा के खिलाफ उठाए सवाल। दिल्ली हिंसा में पुलिस ने अब तक दर्ज की 48 FIR, 130 लोगों को किया गया गिरफ्तार, कई आरोपियों के फोन किए जब्त। दिल्ली के चांदबाग इलाके में पुलिस ने किया मार्च, लोगों को दुकानें खोलने को कहा। दिल्ली के चांदबाग में पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर ओपी मिश्रा, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, सोनिया गांधी बोली राजधानी में नहीं हो रहा है राजधर्म का पालन। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद सोनिया गांधी ने कहा दिल्ली में 3 दिनों तक हुई हिंसा, केंद्र सरकार बनी रही मूक दर्शक। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया इल्जाम, कहा सरकार की लापरवाही के कारण कई लोगों की गई जान। दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना, जावड़ेकर बोले सोनिया ने कही थी आर पार की लड़ाई की बात, केजरीवाल मरने वालों का बता रहे हैं धर्म। दिल्ली हिंसा पर सीएम केजरीवाल अधिकारियों के साथ उन्होंने की बैठक, हिंसा प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश। दिल्ली हिंसा को लेकर मायावती का केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना, कहा दंगों की आड़ में हुई घिनौनी राजनीति। दिल्ली हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब, 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। चांदबाग पहुंची स्वाति मालीवाल का इलाके के लोगों ने किया विरोध, गो बैक के लगाए नारे। पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत की साजिश से जल्द उठ सकता है पर्दा, एनआईए ने किया अहम सबूत मिलने का दावा। गुवाहाटी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग, आर्थिक नीतियों को लेकर हुई चर्चा। ट्रंप की यात्रा के बाद विदेशी मीडिया में बजा भारत का डंका, मोदी को बताया अमेरिकी राष्ट्रपति से बड़ा राष्ट्रवादी नेता। लालू यादव अभी नहीं भेजे जाएंगे एम्स, पटना रिम्स के मेडिकल बोर्ड का फैसला। हिंदुस्तान की तटीय सुरक्षा हुई और मजबूत, गश्ती पोत वज्र को सेना में किया गया शामिल। आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे अखिलेश यादव, भावुक नजर आए अखिलेश। मराठी दिवस पर महाराष्ट्र असेंबली में दिखा असर, सत्र के दौरान स्पीकर नाना पटोले ने किया संबोधित। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में सड़कों पर उतरे तेलुगु देशम पार्टी कार्यकर्ता, तेलुगु देशम प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। मथुरा गोकुल के रमन रेती में मनाया गया होली का उत्सव, संत और भक्तों ने जमकर खेली होली। ईरान में उपराष्ट्रपति मासूमे इफ्तेकार कोरोना
का शिकार हो गई। कोरोना की वजह से हो चुकी है 26 की मौत। कोरोना के प्रकोप का दुनिया भर में पड़ रहा है असर, विकास की रफ्तार हुई सुस्त। एमपी के रायसेन में आदिवासी महिला से गैंगरेप, 3 लोगों पर दरिंदगी का लगा इल्जाम, वारदात के बाद आरोपी फरार। मुंबई के मालाड में पति ने गला रेत कर की पत्नी की हत्या, अवैध संबंधों के शक के चलते दिया वारदात को अंजाम। रांची के बहुचर्चित लॉ छात्रा दुष्कर्म कांड में आया अदालत का फैसला, 12 में से 11 आरोपी दोषी करार, 3 मार्च को सुनाई जाएगी सजा। जयपुर में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को ट्रक ने कुचला, भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत। आगरा में सैकड़ों छात्रों पर FIR दर्ज, नकल पर सख्ती बरत रहा है शिक्षा विभाग। शेयर बाजार में जारी है गिरावट का दौर, सेंसेक्स में 143 अंकों का नुकसान, निफ्टी 45 अंक फिसलकर 11,633 पर हुआ बंद। सोने की कीमतों में आ रही है तेजी, राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव पहुंचा 43,513 रुपए के पार, चांदी में भी देखा जा रहा है उछाल। शादी के 10 साल बाद कोंकणा सेन शर्मा और रणवीर शौरी लेंगे तलाक, कोर्ट में दायर की याचिका। राज महोत्सव 2020 के मौके पर मीत ब्रदर्स ने बिखेरा जलवा, नगमों की जुगलबंदी पर जमकर झूमी ताजनगरी। स्ट्रॉबेरी के टुकड़े से कलाकार ने बनाई अद्भुत तस्वीर, वीडियो हुआ वायरल। टैटू कलाकार ने बनाई उम्दा तस्वीर है, वीडियो देखकर नहीं लगेगा कि स्पाइडरमैन की तस्वीर इंसानों के शरीर पर बनाई गई है। महिला T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। टेबल टेनिस खिलाड़ी का वीडियो वायरल, उंगलियों के बीच फंसे 4 बॉल्स को 4 शॉट्स में गिरा दिया।